हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस तो गाइस आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और हम लोग बहुत जल्दी में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी शूट कर रही हूँ। गाइस गाइस आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर का सामान लेने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है घर में काम चल रहा है, तो क्या क्या सामान लेते हैं और क्या क्या खरीदना है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। गाइस तो चलिए वहीं मिलते हैं और देखते हैं क्या क्या लिया। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे और देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या खरीदा है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर। आप देख सकते हैं ये हमारा न्यू घर है, जहाँ हमारा घर बन रहा है वो है। और यहाँ पे फर्नीचर का काम चल ही रहा है जैसे कि आपको पता है, इसीलिए हम लोगों ने शिफ्ट नहीं किया है अभी तक। तो उन लोगों ने बुलाया था, जो लेबर लगी हुई है उन लोगों ने बुलाया था कि जो सामान की ज़रूरत है, तो हम लोग उसी को देखने के लिए चले आए कि क्या क्या लाना है और क्या। तो उन्होंने सारी फ्रेमिंग तो बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन अब हम लोगों को इस जो बोर्ड पड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, तो हम लोगों को किस प्रकार की माइका लगवानी है, कौन सी पसंद करनी है, तो इसलिए उन लोगों ने बुलाया था कि हम लोगों ने सारी कटिंग करके रख रखी है, अब आपको माइका जो भी लगवानी हो तो आप उसको लेके आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड लेबर से वही बात कर रहे थे कि कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कम आ पाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं इस चक्कर में। और मेरी मम्मी भैया यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं, देख लेते हैं वो लोग काम कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम कि हम लोग नहीं आ पाए, तो कोई चीज़ वेस्ट हो रही हो, कुछ ख़राब हो रही हो, तो वही लोग चक्कर लगा जाते हैं। और जब हम लोग आए तो उन लोगों ने बुलाया, तो हम लोगों ने सारा देखा कि क्या क्या की ज़रूरत है, किस किस सामान की ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पर वही सब देख रहे थे। और यहाँ देखिए ये बच्चा उस लेबर से बात कर रहा था आराम से खड़े खड़े। इसको बोलना आए चाहे नहीं आए, लेकिन इसको सब बोलना रहता है, बस इससे एक बार बात करने की ज़रूरत है, ये तुरंत अपनी शुरू कर देता है बातें। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ शॉप पर, जहाँ से हम लोगों को लेनी थी माइका। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी यहाँ से सारा सामान ले रखा है, फर्नीचर का काफ़ी सामान यहाँ से गया है हमारे घर पे। तो हम लोग माइका सबसे पहले यहीं देखने आए कि आप हमें दिखा दो जो भी आप माइका की बुकलेट आपके पास हो। तो हम वो उसने फिर हम लोगों को आराम से बिठाया, और फिर हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे भैया मतलब, और मेरा बच्चा, हम लोग तीनों चारों लोग आए थे। और जो छोटा था उसको मैं मम्मी के पास छोड़ आई थी, और क्योंकि वो सो गया था। और ये मेरा भाई है जो देख रहा है माइका की बुकलेट। क्या रहता है ना गाइस कि जैसे कि मेरे भाई को थोड़ी ज़्यादा नॉलेज रहती है हर चीज़ के बारे में वो, और तो वो हम लोगों को अच्छे से गाइड कर देता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर उसको लेके चल देते हैं कि चलो भाई तुम डिसाइड करो, तुम पसंद कर लो। तो इसलिए उसको लेके आ गए थे हम लोग। तो वो जल्दी जल्दी देख रहा था कि कौन सी माइका कहाँ कैसी अच्छी लगेगी। तो हम लोग बैठ के आराम से यहाँ पर माइका वाइका देखने लगे, जो भी हम लोगों को लगवानी थी किचन में और वार्डरोब में, तो वही सब हम लोग लेने के लिए आए हुए हैं गाइस शॉप पर। और आराम से यहाँ पर हम लोग बैठ के देखने लगे।
तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर किचन की मायका पसंद कर ली थी, हम लोगों को केवल किचन की मायका ही पसंद आई। फिर उसके बाद हमने किचन की मायका का यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था और फिर उसके बाद हम लोगों को वार्डरोब की मायका पसंद नहीं आ रही थी। तो हम लोगों ने काफ़ी देखी, काफ़ी मतलब उसने हम लोगों को बुकलेट दिखाई लेकिन फिर भी पसंद नहीं आई। तो हम लोग फिर आ गए दूसरी शॉप पर, क्योंकि उस दिन हम लोगों को लेनी ही थी, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है काम तो बहुत जोरों शोरों से चल ही रहा है, क्योंकि हम लोगों को जल्दी शिफ्ट करना है। तो इस चक्कर में सोचा कि जल्दी ऑर्डर दे देंगे तो वो एक दो दिन लग जाते हैं उसको आने में, तो इसलिए फिर हम लोग दूसरी शॉप पर आ गए थे। और हम लोगों को तो ये लगता है कि भाई हम लोग जब भी घर में कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ लगवाएं तो वो बहुत अच्छी हो। इस चक्कर में हम लोग बहुत सारी मायका देखी गए, तो ये दो मायका हम लोगों को पसंद आई और हम लोगों ने इसके ऑर्डर दिए अपने घर के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड यहाँ पर बुक करवाने लगे, क्योंकि बुकिंग देनी पड़ती है तब एक दो दिन में आती है और फिर उसके बाद ये घर पे डायरेक्टली ये लोग घर पे डिलीवर कर देते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग निकल आए थे अपने घर के लिए और वापस जा रहे हैं अपने घर। और यहाँ पर चौराहे पे कोई पुतला जलाया जा रहा था तो काफ़ी भीड़ लगी थी, तो यहाँ पर उन लोगों ने ट्रैफिक रोक रखा था। और आप देख सकते हैं बहुत बहुत सारी भीड़ लगी थी यहाँ पर और वो लोग पुतले को जला रहे थे। पता नहीं किसका पुतला था, पास से देखने को तो मिल नहीं रहा था। और मैं आपको बता दूँ गाइस, तो आप गाइस मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।